बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब सलाह मीडिया आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके मतलब तो आपको पता हो जी, सऊदी अरब के तमाम तर शहरों में गालबन काफी बारिशें हो रही हैं और बारिशों के भाई होते हुए बहुत से मखलूकात जमीन से ऐसे भी निकलते हैं। सांप वगैरह का तो मामला ही एक आम है। अच्छा, ब्रीदा शहर से करीब वीडियो है, आप भाइयों के साथ यहाँ पर मैं वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। मैंने खुद ब्रीदा शहर में काम किया हुआ है। मैं आपको पहले भैया गा करता चलूँ, ब्रीदा शहर में मैंने काले बिच्छू देखे हुए हैं। आप यकीन कीजिए, उस वक्त इन बिच्छू का कोई यानी कि शोर नहीं था। जैसे कि अभी मैंने शोर सुन रहा हूँ पाकिस्तान में, ये काफी महंगे सेल होते हैं, ये है वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप यकीन करें, बोतल के अंदर मैं दो दो बिच्छू पकड़ लेता था, बोतल के अंदर उनको रखता था, में छोड़ देते थे। लेकिन काले बिच्छू मैंने वहां पर ब्रीदा के इलाके में बहुत देखे हैं। और रेत वाला ज्यादातर इलाका है, आपको पता ही, ज्यादातर वहां पर रेत ही है, पत्थर तो बहुत कम है। तो ब्रीदा शहर से ये एक ली गई वीडियो है और ये गली मोहल्लों से ली गई वीडियो है। यहां पर आपको मैं दिखा भी रखा हूं कि एक मगरमच्छ एक दीवार के साथ, एक घर की दीवार के साथ आस्ता आस्ता चल रखा था कि सऊदी ने उसे देखा है कि ये क्या चीज है। हालांकि ये न्योले टाइप लग रहा था, लेकिन ये बिल्कुल मगरमच्छ था। जब उसने इसकी वीडियो बनाई है, बाद में सऊदी मरूर को इन्फॉर्म किया है, वो लोग आए हैं साथ में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लेकर, तो इसे पकड़ लिया गया है। पकड़कर इसे भाई बांध बूंद कर वो ले गए हैं किसी जंगल में या किसी चिड़ियाघर वगैरह में, इसे छोड़ेंगे लेकिन इसे मारेंगे तो नहीं। लेकिन अपनी एहतियात कीजिए, सांप वगैरह बिच्छू वगैरह इन बारिशों के चलते हुए आम निकल रहे हैं जमीन से, खासकर उन इलाकों में जो भाई सरसब्ज हैं सऊदी अरेबिया के।